आज हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं भागलपुर के सभी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिव मंदिर का। आप सभी को सावन की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाबा भूतनाथ के दरबार आप 365 दिन दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सावन में इसकी विशेषताएं काफी ज्यादा होता है। अब हम आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए आ चुके हैं शिव शक्ति मंदिर। हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सुबह स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को सावन की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से महादेव का दिन का शुरू होता है। हालांकि महादेव का दिन जो है 365 दिन ही होता है, लेकिन सावन के दिनों में जो इसकी मान्यता काफी खास होता है, इसलिए आज हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं भागलपुर के सभी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिव मंदिर का। हालांकि एक एक करके बिहार के तमाम जगहों पे हम जाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं भागलपुर से, क्योंकि भागलपुर में ही रहते हैं। तो भागलपुर में बहुत सारे शिव मंदिर है, जो कि ऑलरेडी बहुत दिन पहले हम आप लोगों को अंदीना दर्शन करवा चुके हैं, लेकिन सावन में इसकी भव्यता और जो है काफी भव्य तरीके से पूजा किया जाता है सभी मंदिर में। मंदिर की खूबसूरती भी काफी आकर्षक लगता है। तो इस सावन की पहली सोमवार आज हम भागलपुर के सभी शिव प्रसिद्ध मंदिर को आप लोगों को हम दर्शन करवाने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मंदिर प्रांगण में हम तो अभी पहुंच चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट आने के वजह से मंदिर की जो है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हो चुका है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह आते हैं तो श्रद्धालुओं की जो लाइन काफी लंबी लगी रहती है। आपको बता दें जो है शिवरात्रि में पूरे भागलपुर में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ जो है इसी मंदिर में हुआ था, और अभी भी मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं भागलपुर में सभी शिव भक्त जो है आज बाबा भूतनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और अभी आप देखिए आप ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। हालांकि 500 साल से भी अधिक वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में आप अंदीना भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सावन के दिनों में बहुत ही खास मंदिर में भी व्यवस्था रहता है, और भोलेनाथ का जो पूजा होता है वो बहुत भव्य तरीके से होता है। ये कार्यालय है, बाकी यहाँ पे देखिए लाइव चल रहा है, जो अंदर में शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लाइव दर्शन हो रहा है। आगे हम आपको भोलेनाथ का भी दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि शिव भक्तों का भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का भीड़ अब कितना ज्यादा है। देखिए पीछे कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, और इस एरिया से आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें तो बाबा भूतनाथ के दरबार आप 365 दिन दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सावन में इसकी विशेषताएं काफी ज्यादा होता है, इसलिए श्रद्धालुओं का भीड़ काफी ज्यादा होता है। कुछ दिन पहले शिवरात्रि में पूरे भागलपुर के सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ इसी मंदिर में हुआ। हालांकि इस मंदिर का जो है श्रृंगार पूजा बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कभी भूतनाथ मंदिर आते हैं, भूतनाथ के बाद अब हम गाइस बाबा बृदेश्वर नाथ, जिसे हम सभी पूरा नाथ के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर गंगा तट पर स्थित है। भागलपुर का प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर का मेन दरबार है। सावन में पहली बार हम आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि मंदिर आप देख सकते हैं अंदीना जब आते हैं उधर अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ऐतिहासिक है। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ माँ दुर्गा का भी प्रतिमा स्थापित है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। मंदिर जो है भागलपुर का दिल कहलाता है, क्योंकि ये मंदिर अगर आप भागलपुर आते हैं और दर्शन नहीं किए तो फिर भागलपुर आना बेकार है। मंदिर में श्रद्धालुओं करीबन लोग जो है 10-20 हज़ार से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सावन के दिनों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहली बार हम चलेंगे सावन में आप लोगों को तो पूरा नाथ के दर्शन करवाएंगे। नाथ के दर्शन करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी भी आया करते थे, और इस मंदिर का इतिहास जो है रामायण काल में भी स्थित है। कभी जब इस मंदिर का इतिहास को जानिएगा आश्चर्य लगेगा कि अपने भागलपुर शहर का बाबा बूढ़ानाथ मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन और प्रसिद्ध है। हालांकि अभी देखिए मंदिर की खूबसूरती काफी आकर्षक लग रहा है, शिव भक्तों का भीड़ काफी लंबा है। फाइनली हम बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का भीड़ आप कितना ज्यादा है। पहली बार हम आप लोगों को सावन के दिनों में दर्शन करवा रहे हैं। हर हर महादेव।
जल्दी की जल्दी कीजिए। चलिए गाइस, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के दर्शन करके भोलेनाथ पे जल अभिषेक करके अभी हम बाहर आ चुके हैं। आपको बता दे गाइस, बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन करने के लिए अगर आप भागलपुर आते हैं तो जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में इतनी इतिहास है कि बताएंगे तो शायद 2-4 घंटा लग जाएगा, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम आपको बता रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा। और हालांकि आपको बता दे गाइस, यहाँ पे जो रोजाना करीबन शादियों के दिनों में काफ़ी सारा शादियाँ भी होती है, और आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती बहुत ही आकर्षक लग रहा है पहले से। हालांकि आपको बता दें कि अब जो है पूरे सावन जो है सिंगारी पूजा आप लोगों को इस मंदिर में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सोमवार के दिन आते हैं तो काफ़ी भव्य तरीके से होता है। तो अगर सिंगारी पूजा देखना हो तो भूतनाथ के बाद आप जो है बाबा बूढ़ानाथ के भी दरबार में आके सिंगारी पूजा को देख सकते हैं। गाइस, तो बाबा भूतनाथ और बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन करवाने के बाद अब हम आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए आ चुके हैं शिव शक्ति मंदिर। आप देख सकते हैं ये भी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, 100 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन इसे भव्य जो है हाल फिलहाल बनाया गया है। इसकी खूबसूरती जो है आप लोगों को दूर से ही दिख जाएगा। 3 भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से शिव शक्ति मंदिर भी एक है। गाइस, सावन में यहाँ पे भी श्रद्धालुओं काफी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि इस मंदिर में जो है श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं शाम को, लेकिन जो है सावन में काफी खास व्यवस्था भी मंदिर में रहता है और भव्य तरीके से भी पूजा किया जाता है। व्यवस्था की बात करें तो गाइस देख सकते हैं श्रद्धालुओं को गंगा जल अभिषेक करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइन लगाने के लिए बनाया गया है। अंदर इस लाइन से एंटर करिएगा और अंदर जाके भोलेनाथ पर जल अभिषेक करके आप बाहर आ सकते हैं। शिव मंदिर है और जस्ट बगल में आप लोगों को पार्वती मंदिर मिल जाएगा। मंदिर की खूबसूरती जो है आपको दूर से बहुत आकर्षक लगेगा। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग बाबा का दर्शन भी करवा दे। सावन में पहली बार हम शिव शक्ति मंदिर आए हैं दर्शन करवाने के लिए आप लोगों को, लेकिन श्रद्धालुओं का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हमें लगता नहीं कि इस बार हमें अंदर जाके जल अभिषेक कर पाएंगे, लेकिन दर्शन आप लोगों को हम जरूर करवाएंगे। हालांकि हर एक सावन के सोमवार के दिन आप लोगों को इससे ज़्यादा ही भीड़ मिलेगा, कम नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। रोजाना दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अभी सावन के दिन में जो है मंदिर का स्पेस बहुत कम है, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। हालांकि आप शाम को भी आके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में सबसे अच्छा आप लोगों को लगेगा शाम का, शाम में जब आप आइएगा तो काफ़ी सुकून महसूस होगा उस मंदिर में आके। सावन के पहले सोमवार आप सभी को भागलपुर के 3 प्रसिद्ध शिव मंदिर का दर्शन करवाना हमारा सफल रहा। इसके बाद का ब्लॉग जो है आप लोगों को सुल्तानगंज को देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी दिन के बाद हम आप लोगों के बीच वीडियो लेके आए हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं ज़्यादातर हम आप लोगों के बीच बैक टू बैक वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक को फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो है अब पहले की तरह हम आप सभी के बीच एक्टिव हो पाए। थैंक यू।